दांत तेरे की। आज अगर वो हाथ लग जाती ना तो वो हशर करता उसका क्या ना पूछ। बॉस अगर वो यहाँ से बरामद होती फिर आप एक मुसीबत आ जाती। बरामद होते तब ना, कहाँ से होती बरामद। सारी जिंदगी एड़िया भी रगड़ती रहती ना तो उसे सूरज देखना नसीब नहीं होना था। बड़े साहब ने मना किया, इलेक्शन तक खामोश रहो। क्या कर रहा है यार तू? क्या कर रहा है? मतलब बाबा की ख्वाहिश के पीछे मैं अपनी ख्वाहिशात मार दूं? ये जो लड़की है ना ईशा, मैं चाहता हूं कि मैं इसको अपना गुलाम बना के रखूं। और वो जो दो टके का वकील है उसको मैं अपने हाथों से जिंदा दफन करना चाहता हूं, तब आएगा सुकून मुझे। समझ आ? समझ आती नहीं लगी। ये सारा का बैठे तुम यहाँ पे रह सकती हो, मैं जल्दी अपना कोई इंतजाम कर लूंगी। रिलैक्स हो जाओ यार, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? अब बताओ क्या हुआ? मलिक इस्तौल के गुंडे मेरे पीछे पड़ गए थे, मैं बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा के भागी हूँ। शायद तुम किसी वकील के घर में रह रही थी ना, वहां से क्यों निकली? और ये मलिक अजलाल, ये तुम्हारे पीछे क्यों हाथ धोके पड़ गया है? बताती हूँ, सब बताती हूँ। असल में ये तो बहुत बुरा हुआ है तुम्हारे साथ, तुम परेशान नहीं हो?